एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विद प्रीति बोरा। दोस्तों, ये है आपका पार्ट नंबर 4 ऑफ बुक्स एंड ऑथर की जो आपकी सीरीज चल रही है, डेली रिवीजन सीरीज चल रही है, जो कि सुबह 8 बजे आ जाती है, सो दैट आपको पूरा दिन मिल सके कि पूरे डेली के फैक्ट याद कर सको। सो आज का जो बुक्स एंड ऑथर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है आपके यूनिट नंबर 8 से, ठीक है। सो आप सभी को, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन नहीं आपने ऑन किया, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि अभी तक मैंने आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन, आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, इन तीनों के आपके बुक्स एंड ऑथर्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ। रोज़ सुबह 8 AM पे ये सीरीज आती है एंड रोज़ शाम को 8 बजे आपको लाइव में रिविजन करा रही हूँ। हमारा जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी यूट्यूब कम्युनिटी, उसमें भी मैं डेली टास्क दे रही हूँ, सो दैट कि जिसने आपका पेड कोर्स नहीं हमारा ज्वाइन कर रखा कुछ भी, तो वो भी हमारे साथ रिविजन कर सके, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन है, एंड कमेंट ज़रूर की करके मुझे सारे आंसर ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। और थोड़ा नया पैटर्न पे बात कर लेते हैं, जो जिनको पता है, आपको जिनको जो पहले से देख रहे हैं उनको तो पता ही है। यह पार्ट 4 यूनिटेड पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रियाएं इंडिया में क्या है, उस पर हम बात करेंगे। सो यूजीसी नेट का कुछ नया पैटर्न है जो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी पहले, जिसको पता है वो स्किप भी कर सकता है 10-20 सेकेंड। सो पहला आपका क्वेश्चन आते थे कि ऑथर पे आ जाता था या ईयर पे आ जाता था, अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इधर तक सीमित नहीं रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है डेफिनेटली, तो दूसरे तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल थीम आती है, ठीक है। सेंट्रल थीम में पूछा जाता है कि इस बुक में कौन से विचारधारा की बात की गई थी, कौन सी आइडियोलॉजी पे फोकस था, ठीक है, कौन से कंसेप्ट पे, कौन सी अवधारणा पे फोकस था, ठीक है, यहाँ इसकी मेन आपकी थीम क्या है इस बुक की, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। कोई आपको थ्योरी दे देंगे, बोल देंगे यार ये थ्योरी कौन सी बुक में आई थी, ठीक है, किसने कौन सी बुक में ये थ्योरी लेके आ रखे हैं, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट सवाल आपसे पूछना बंद कर दिया है। UGC घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछ रही है, बिकॉज उसको, उनको भी पता है कि लिमिटेड सीट है, तो आपके लिए पेपर थोड़ा टफ बना है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि भाई फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है, पूरी कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनकी आधा ही आपको पता होता है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, और उस फुल फॉर्म में जो सेकंड पार्ट होता है, जो कि बहुत ही बड़ा सा पार्ट होता है, उसमें अगर कोई लाइन दे रखी है या फिर उधर पूरा फोकस आपको पता चल रहा है, तो पूछ लेंगे कि यार ये वाला फोकस, ये जो चीज़ है, ये कहाँ पे आपकी कौन सी बुक में पूछी गई है। तो अगर आपको बुक का पूरा नाम, अगर आपको बुक कोई भी पढ़ते हो तो उसका पूरा नाम के साथ पढ़ो, तो वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चौथा आपसे डेफिनेटली आपसे पूछ लेते हैं बुक का नाम, कि भाई जो रिसर्च है ना, जैसे कोई पर्टिकुलर बुक में आपने रिसर्च कर रखी है, जैसे कि सिविक कल्चर में आपकी 5 कंट्रीज़ में है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ पे फोकस है, या फिर अगर प्रिंस, अगर आपके लोरेंसो दे मदीची पे फोकस है, तो भाई किस पे फोकस है, तो वो फोकस पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, एंड आज मैं क्या बुक्स पढ़ाऊंगी। सो डेफिनेटली आपको पता है मैं हर एक सेशन के अंत में कुछ 3 क्वेश्चन आपको देती हूँ, एंड उन 3 क्वेश्चन से संबंधित आपको बोलती हूँ कि कमेंट में मुझे आंसर बताइए। तो ये पिछली क्लास के 3 क्वेश्चन हैं जिसका सॉल्यूशंस मैं आपको अभी दे देती हूं। सो पहली आपके पास बुक है द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बात की थी जनरल प्रिंसिपल्स पे, कि जो साइंटिफिक लाइंस पे थे, एंड दैट इज आपका हेनरी फायोल का काम है ये, ठीक है ना। दूसरा आपका बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, की प्रिंसिपल्स पे बात कर रखी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक सेगमेंट है ये आपका, यह है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का काम है। तीसरा है सोशल प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, की जो आपका आध्यात्मिक जो आपका सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसकी सामाजिक प्रॉब्लम क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, तो आपके ये आ जाएंगे एल्टन मयो, ठीक है ना। ईयर मैंने आपका साथ में दे रखा है, ईयर एंड सब कुछ, ये आपका पिछले जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनके आंसर हो गए। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, ठीक है। सो फर्स्ट बुक है हमारे पास द स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, कि आपका सबसे, आप इसमें, इस पूरी बुक में आपका फोकस जाना चाहिए 2 जगह में, कि पहले तो स्टेट की बात कर रखी है, इंडिया की बात नहीं कर रखी, स्टेट, हर एक स्टेट में क्या पॉलिटिक्स होती है उस पर बात कर रखी है। 1997 की बुक है, किसके द्वारा बुक दी गई है, पार्था चटर्जी, तो आप ये इस तरीके से याद कर सकते हो कि स्टेट में बहुत ही चैटिंग होती है, किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया, इस बुक का फोकस क्या है, इस बुक का थीम क्या है, क्योंकि हम नए पैटर्न पे चल रहे हैं, तो फोकस भी, थीम भी मैं आपको बताऊंगी। तो थीम आपका था कि जो दलित मूवमेंट है ना, आपका दलित आपका आंदोलन है जो,
उससे संबंधित है, ठीक है, दलित मूवमेंट यानी कि दलित आंदोलन। अब मैंने बुक का नाम हिंदी में नहीं लिखा है, ट्रांसलेट में कर सकती थी, लेकिन कोई भी अगर आपका नाम है आपके नाम का मतलब करके हिंदी में तो नहीं आता ना, ठीक है, आपका नाम तो सेम रहेगा, उसी तरीके से बुक का नेम सही रहेगा। हाँ, कुछ जो थीम है, कुछ विचारधारा है, वो मैं हिंदी में ज़रूर लिख दूंगी। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? @thediscoverstudy टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी बुक की। एक दिन बाद मिलती है, आप सभी को पता है, अगर सुबह क्लास हो रखे तो बुक्स वाले की शाम में मिलेगी, 8 बजे लाइव क्लास की अगले दिन मिलेगी, ठीक है ना। सेकेंड कुछ बुक, द सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक सामाजिक कुछ आंदोलन है जिसकी वजह से सामाजिक कुछ बदलाव आ रहा है। अच्छा, कैसा बदलाव आ रहा है, इस बुक में ही फोकस कर दिया। अब जैसे इस तरीके की बुक है जिसका आपसे फुल पूछ सकते हैं फुल फॉर्म, अभी आप इस तरीके से फुल फॉर्म आया या फिर इस तरीके से बोल दें कि इस बुक की थीम क्या है, तो अगर आपने इस बुक का पूरा नाम आपको पता होता कि अ स्टडी ऑफ टू बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट्स, यानी कि आपको समझ में आ जाता ये जो पूरी बुक है ये आपकी बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स पे संबंधित है, ठीक है, इससे रिलेटेड है, ये आपसे पता चलता अगर आपको पूरा नाम पता होता। अब सपोज आपको ये पता था कि सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन 1979 की बुक है और एम एस राव द्वारा है, तो राव ने, ठीक है, जैसे बाबू राव थे, बाबू राव के साथ दो लोग थे ना, वैसे इनकी दो बैकवर्ड क्लासेस पे इनका पूरा मूवमेंट पे स्टडी कर रखी है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। सो अगर आपको इसका पूरा नाम नहीं पता होता और आपसे क्वेश्चन में लिखा होता कि क्या ये दलित मूवमेंट पे है, क्या ये रीजनलिज्म पे है, क्या ये बुक रीजन से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब क्या ये बुक रिलीजन से रिलेटेड है या फिर क्या बुक लैंग्वेज मूवमेंट से रिलेटेड है, आपको कैसे पता चलता? बिल्कुल पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि आपने पूरा नाम नहीं पढ़ा था, तो दैट इज़ वाई पूरा नाम पढ़ना ज़रूरी है। तीसरा है, क्योंकि यही जो आपकी वीकनेस है इस पे यूजीसी क्वेश्चंस बना रहा है, राइज ऑफ दलित, दलित का राइज, ठीक है, एंड रिन्यूड द डिबेट, कि किस तरीके से जो डिबेट है वो बदली है कास्ट में, ठीक है, दलित का जैसा जैसे उनका उत्थान हुआ है, ठीक है। ये एक आर्टिकल था बेसिकली 1994 का, लेकिन मैंने आर्टिकल बुक्स एंड ऑथर में क्यों करी है, क्योंकि रजनी कोठारी जी का है, ठीक है, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, राइट, मैच द फॉलोइंग में आ चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर फोर, यानी कि बुक नंबर फोर, रूरल ओरिजिन्स ऑफ वुमेन्स लिबरेशन इन इंडिया। अब इस बुक, ये जो गेल ओमवेद हैं, गेल ओमवेद पे इस बार बहुत फोकस हो रहा है, मैं इस पे स्टार मार्क कर रही हूँ, क्योंकि गेल ओमवेद की पेरियार पे बुक, गेल ओमवेद की वुमेन पे बुक बार बार आपकी रीसेंट 3-4 साल में आ चुकी है, यानी कि इन्होंने इस पे किस पे शोध किया है, वुमेन लिबरेशन, कि वुमेन का किस तरीके से लिबरेशन, यानी कि उनको राइट्स मिल रहे हैं, उनको फ्रीडम मिल रहा है इंडिया में, लेकिन इसमें इन्होंने बोला इसका ओरिजिन कहाँ है, रूलर में। तो बेसिकली 75 की बुक है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि पहले जो काम करने वाला ये सब चीज़ें शुरू हुई वो गाँव में ज़्यादा शुरू हुई बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिफरेंस, आपको पता है सिटी में ऑलरेडी थोड़े अमीर लोग रहते हैं तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन नेसेसिटी आपको पता है आपसे काम करवाती है, दैट इज़ वाई जैसे ही उनको उन्होंने काम करना शुरू किया फिर उसके बाद उनको रियलाइज हुआ हमें तो इक्वल अधिकार मिल नहीं रहे, एंड दैट्स हाउ कि वुमेन का लिबरेशन स्टार्ट हुआ। ये इस बुक का फोकस इस पे है। नेक्स्ट एक और बुक आ रही है जिसका फोकस वुमेन आपका फ्रीडम पे है, वुमेन इन कॉलोनियल इंडिया, यानी कि कॉलोनियल जो आपकी इंडिया थी उसमें वुमेन कैसे थी, ठीक है। अब इसमें पूछ सकते हैं कि इसका फोकस क्या है, अब इसका पूरा नाम पता होता हमें फोकस होता पता होता, एसेज है पॉलिटिक्स पे, मेडिसिन पे एंड हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि हिस्ट्री पे देखेंगे हम, राजनीति पे देखेंगे एंड मेडिसिन पे देखेंगे। 2005 की बुक है, गेराल्डिन फोप्स की, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट बुक नहीं है बट स्टिल मुझे लग रहा था कि थोड़ा फोकस हो सकता है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि जब भी यूजीसी का एक और नया चीज़ है, कैसे क्वेश्चंस का पता लगा है कि यूजीसी आपसे क्या पूछने वाला है, जो भी चीज़ करंट में चल रही होती है ना उससे संबंधित स्टैटिक क्वेश्चन आता है, दैट इज़ वाई ये बुक इंक्लूड करी गई है। बुक नंबर सिक्स, द हिस्ट्री ऑफ डूइंग, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ डूइंग यानी कि एक इतिहास है क्या करने का, बेसिकली ये वुमेन आपका पार्टिसिपेशन पे है, कि वुमेन की पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी क्या है, ठीक है, भागीदारी क्या है इस पे बात करती है पूरी बुक, किस चीज में, आपकी राइट्स मूवमेंट में, यानी कि जो आपके अधिकार का जो एक मूवमेंट हुई है उसमें वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन है, उसकी हिस्ट्री पूरा है ये, 1993 की बुक है, राधा कुमार की, ठीक है ना। नेक्स्ट, द पॉलिटिक्स ऑफ स्केयर सिटी, जब मैं बोलती हूँ स्केयर सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, अब ये बुक बहुत फेमस बुक है लेकिन आपको इस बुक का पूरा नाम नहीं पता, ठीक है। सो बेसिकली
पब्लिक प्रेशर कि लोगों का प्रेशर दबाव कैसे पड़ता है और उसका पॉलिटिकल रिस्पांस, पॉलिटिकली क्या रिस्पांस आता है इंडिया में. सो बेसिकली मायरॉन वीनर के द्वारा है. मायरॉन वीनर ऑब्वियसली आपको पता है स्टेट पॉलिटिक्स पे बात करते थे, एंड ये जो पॉलिटिक्स ऑफ स्केयर सिटी है वो किस संबंधित है, ये है आपकी रीजनलिज्म से. रीजनलिज्म यानी कि जो आपका क्षेत्रवाद होता है ना, ठीक है, उससे संबंधित ये बुक है, 1962 की बुक है. ये ध्यान रखना, थीम ध्यान रखना, किस चीज पे फोकस कर रहा है वो ध्यान रखना. मैं आपको इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं तो आपको लिस्ट दे सकती थी, बहुत ही इजी हो जाता, ताकि आपको ये चीजें याद रहें. बुक नंबर 8, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट. ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है. अब डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतुष्ट, कि भाई मैं संतुष्ट नहीं हूँ जो भी मेरी सिचुएशन है. सो बेसिकली क्यों संतुष्ट नहीं हो, उसके पीछे का रीजन क्या है. अगर इस बुक का आपसे पूछ लिया कि इसके पीछे का रीजन क्या है असंतुष्टता का, तो आपको अगर पूरा नाम पता होता तो डेफिनेटली आप बता देते इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस, कि इंडिया का एक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है. कौन सा क्राइसिस, कौन सी दिक्कतें, गवर्नेबिलिटी, कि किस तरीके से आप पे शासन होगा ना, उसमें क्राइसिस आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है. तो बेसिकली गवर्नमेंट में कमी है, इस पे बात कर रखी है 1990 पे, ठीक है. डेफिनेटली किसकी है, अतुल कोहली की है. अब ये क्राइसिस क्यों आ रहा है, डेमोक्रेसी की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक कहीं ना कहीं एथनिक मूवमेंट यानी कि जातीय जो आपके संगठन है, मतलब जातीय जो आपके आंदोलन है ना, उससे संबंधित है, ठीक है ना, स्टेट वाइज. दैट इज वाई इस बुक में ये फोकस है कि डेमोक्रेसी में क्यों डिसकंटेंट है, क्योंकि एथनिक जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, कहीं ना कहीं उसको मान्यता, रिकॉग्निशन इतनी ज्यादा नहीं मिलती, दैट इज वाई, ठीक है ना. सो ये अब आपको पता होनी चाहिए. और अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, तो कर लो, ठीक है ना. और पार्टिसिपेट करते रहो. अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप बताते रहो कि फोकस क्या है अपना. अगर आपको पता है कि मैं आपको बता रही हूँ तो साथ के साथ लिख लिख के याद करते रहो. सच बता रही हूँ, याद हो जाएगा. क्योंकि जब हम कमेंट करते हैं, हम सोचते हैं ना कि यार अच्छा कमेंट होना चाहिए, या फिर कहीं सरेआम बेइज्जती ना हो जाए, इसमें हम कॉशियस रहते हैं. कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चले जाती है. जब आपके पास एमसीक्यू आता है, आप सही आंसर टिक करते हो. डेट इज़ वाई हमेशा बोलती हूँ कि पार्टिसिपेशन करो. एथनीसिटी, एथनीसिटी मतलब क्या होता है, जातीयता, और इससे जुड़ा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद. सो बेसिकली आपको पता है जातीय जो मूवमेंट होती है वो क्या करती है, वो आपका एक नेशन को नहीं देखती, अपनी जाति से संबंधित राष्ट्रवाद को देखती है. सो एक थ्योरी है एंड कंपैरिजन, तुलना है, 1991 में कर रखी है. किसने कर रखी है, पॉल आर ब्रास ने कर रखी है. पॉल आर ब्रास संबंधित है हमारी किसी एनसीईआरटी में, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान है. कौन सी एनसीईआरटी है वो, कौन सी क्लास की है, नाम बता दो उस बुक का, ठीक है ना. नेक्स्ट, और अभी एनसीईआरटी में आपको पता है चेंजेस भी आ रहे हैं, और पॉल आर ब्रास ने अगर कुछ लिखी है तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना. इस तरीके से करंट से क्वेश्चन देख सकते हो आप. बुक नंबर 10, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, कि मुझे दोबारा सोचना पड़ रहा है डेमोक्रेसी से संबंधित, ठीक है ना. सो ये इसमें किस पे बात कर रखी है, इस पे बात कर रखी है कम्युनलिज्म पे, ठीक है ना. कम्युनलिज्म पे इसमें बात कर रखी है. 2005 की बुक है. कौन कहते हैं ये, रजनी कोठारी. एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स भी इनकी बुक है. आपको पता है कास्ट के बेसिस में, किस के बेसिस में, किस तरीके से सांप्रदायिकता क्या होती है, ये सब चीजें इस पे फोकस है. बुक नंबर 111, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का बर्डन क्या है. बर्डन क्यों बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही थी होगी इसमें. लीगल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है क्या, आप मुझे बताइए. 2003 की बुक है, प्रताप भानु मेहता के द्वारा, ठीक है. नेक्स्ट, बुक नंबर 12, द इंटीमेट एनिमी, यानी कि आपका करीबी दुश्मन. इंटीमेट का मतलब होता है करीबी, तो करीबी आपका दुश्मन क्या है. द लॉस, जितना भी आपका नुकसान हुआ और जितना रिकवरी, यानी कि जितना आपने रिकवरी की, ठीक है, ऑफ सेल्फ, अपने खुद की, अपने खुद के अस्तित्व की, किसके दौर अंदर, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के अंदर. यानी कि इस बुक में बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की बात की होगी, कि आपने अपना क्या नुकसान किया, उसके बाद कैसे भरपाई करी है, अपने खुद की आइडेंटिटी कैसे बनाई है कॉलोनियलिज्म के अंदर. किसकी बुक है, 1983 की बुक है, आशीष नंदी द्वारा, ठीक है. नेक्स्ट, एक न्यू कॉलोनियल थ्योरिस्ट. देखो, न्यू कॉलोनियलिज्म, नव आपका ये जो उपनिवेशवाद है ना, इससे संबंधित बुक डेफिनेटली आएगी, ठीक है. चाहे वो आईआर में आए, चाहे वो आपका यूनिट नंबर 8 पॉलिटिकल प्रोसेस में आए, चाहे पॉलिटिकल थ्योरी में आए, कहीं से भी आए, ये बुक में डेफिनेटली एक क्वेश्चन न्यू कॉलोनियलिज्म का आता ही आता है घुमा फिरा के. अब बुक नंबर 13 है, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, ट्रेडिशन, यानी कि उसकी परंपरा क्या है, एंड उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए. किसके है ये, भीकू पारेख. भीकू पारेख का आप मुझे बताइए, मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित एक बुक का नाम मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है ना.
सो 1989 की बुक है एंड जरूर पार्टिसिपेट करो एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो अभी तक कर लो. तो नेशन, नेशन मतलब आपके राष्ट्र और एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े. सो टुकड़े क्यों बोल रखा है, क्या उसमें दिक्कत आ रखी है ये मुझे बताओ. 1993 की बुक है, पार्था चटर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. अभी मैंने पार्था चटर्जी से संबंधित बात की थी तो पार्था चटर्जी ने कहीं ना कहीं दलित मूवमेंट से संबंधित बात कर रखी है, ठीक है, उनकी काफ़ी बुक्स हैं. सो क्या ये बुक भी उस कैटेगरी से बिलोंग करती है मुझे ये बताओ. मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन यानी कि आधुनिकता की परंपरा, परंपरा की आधुनिकता बेसिकली. तो इसमें क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ इंडिया में 1984 तक 84 तक के है. सो किसकी बुक है ये, लॉयड एंड सुजैन रुडॉल्फ की बुक है. अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जिसका आंसर आप कमेंट में मुझे देना, ठीक है, डेफिनेटली मुझे कमेंट में देना. वो क्वेश्चन ये है कि लॉयड एंड सुजैन रुडॉल्फ को ने इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या बोल रखा है, कि कैसी है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको किस नाम से फेमस कर रखा है ये मुझे बताओ. इसका जो आंसर है ये यूपीएससी में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था एंड यूजीसी नेट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तभी मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है. दैट इज फॉर दैट्स इट फॉर द डे. अब कल के लिए क्वेश्चन देख लो कि तीन बुक अगेन मैं आपको दे रही हूँ, आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, मुझे लाइव चैट में नहीं चाहिए, ताकि मैं कमेंट में आपको आंसर चेक कर सकूँ. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बताना, वो मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ. अगर आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक भी कराऊँ वो भी कमेंट में लिख के रखो, ताकि मैं वो चीज़ करा सकूँ. पहली बुक है इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट. लक्ष्मी की मतलब मुझे बताओ कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था कैसी है इंडियन स्टेट की. दूसरा आपका क्या है, लिनेज ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी स्टडी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी, की आपका उपनिवेशवाद के बाद डेमोक्रेसी लोकतंत्र कैसे आया ये वाली बुक है. तीसरा है डेमोक्रेसी इन मल्टीनेशनल सोसाइटी यानी कि मल्टीनेशनल आपका ऐसी जो सोसाइटी बन गई है इसमें डेमोक्रेसी किस तरीके से है ये मुझे बताइए. सो ये तीन क्वेश्चन के आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मुझे ज़रूर बताओ कि कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है, और मुझे व्यूज़ बताओ. और अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो एटलीस्ट इतना लिख दो कि मैम आज का टास्क हो गया है. अच्छा अब एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि डेली 8 बजे लाइव सेशन में आना, ठीक है, रिविजन कराती हूँ मैं लाइव डेली 8 बजे सुबह फैक्चुअल रिविजन होती है. शाम में आपका हर सैटरडे को 8 बजे आपका लाइव टेस्ट होता है. इस बारी जो आज का टेस्ट है वो है आपका, उसका टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड थोड़ा टफ क्वेश्चन आएंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आज मैं वो सिखाऊंगी आपको. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास पता चल जाए. कम्युनिटी में डेली टास्क जरूर किया करो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट में पार्टिसिपेट करो, शेयर कर देना यार, तुम शेयर करा करो प्लीज़, ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. और कोई फीस नहीं चाहिए, बस ये सब चीज़ें चाहिए. ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. आई होप ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है. अगर रियली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए.